दोस्तों, अगर आप भी अपने WhatsApp ग्रुप का ग्रुप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उस लिंक पे टैग करते हुए कोई भी आसानी से आपके ग्रुप को ज्वाइन कर पाए, या फिर आप चाहते हैं किसी के ग्रुप का लिंक आपको मिल गया है और आप उस लिंक को फॉलो करते हुए उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। मेरे केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे जब मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ नीचे तो कई सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक ये भी एक ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, आपको जिसका भी ग्रुप लिंक क्रिएट करना है ताकि उस लिंक की सहायता से कोई भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाए, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप उस ग्रुप के एडमिन होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ऊपर आप यहाँ पे टैग कर लें। जैसे आप ऊपर टैग करेंगे तो टैग करने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे जाएंगे। अब चूंकि आप पहले से एडमिन हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिन पोस्ट में यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको और भी रेसिपिएंट्स को ऐड करना है, पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे आपको पहला ऑप्शन दिखाई देता है ऐड पार्टिसिपेंट्स, जिस पे अगर आप टैग करते हैं तो जो भी आपकी फ़ोन बुक में अवेलेबल कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे वो शो कर जाते हैं। चूज़ कर लीजिए और उनको ऐड कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं करना, आपको ग्रुप क्रिएट लिंक क्रिएट करना है, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे आपको दिखाई दे रहा है इन्वाइट वाया लिंक, आप इस पर टैग कर लें। जैसे आप इस पर टैग करेंगे तो टैग करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक लिंक देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो उसको कॉपी कर लें या फिर आप व्हाट्सअप की सहायता से ही किसी को सेंड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी कॉन्टैक्ट नंबर को सेंड करना है आप उसको सेंड कर ले। जैसे मेरे केस में मान लीजिए मैंने यहां पे एक सेलेक्ट किया और उसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद अब क्या होगा, जैसे ही बंदा कोई भी चाहेगा इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करके वो आसानी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएगा। मेरे सेकंड अकाउंट पे मैसेज आ भी गया है। अब देखेंगे अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे टैग करूंगा ज्वाइन ग्रुप पे, ऑटोमेटिकली मेरे सामने किस तरीके का विंडो आएगा और मुझे से पूछ रहा है क्या आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे पहले से ही 26 पार्टिसिपेंट्स हैं और यहाँ पे एडमिन तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं दो, और इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेंट्स पहले से अवेलेबल है वो स्क्रॉल करके आप यहाँ से चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन ग्रुप पे टैग करेंगे, जैसे आप ज्वाइन ग्रुप पे टैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। तो आप देखेंगे आप उस ग्रुप के मेंबर बन गए हैं और आप आसानी से अगर चाहें तो उस ग्रुप में अगर परमिशन दी गई है पार्टिसिपेंट्स को तो मैसेजेस और मीडिया फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। अगर एडमिन ओनली कैन सेंड ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर आप बस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स बन के रहेंगे, जो भी मैसेजेस आएंगे तो आप उनको सिर्फ देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट करें ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड टेक।